नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 4। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जंतु ऊतक का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पौधों और मनुष्य में काफी सारे अंतर होते हैं, जैसे कि मनुष्य चल सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि पौधों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। मनुष्यों में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं और विकास हर हिस्से में होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पादप ऊतक और दूसरा होता है जंतु ऊतक। दोस्तों, पादप ऊतक के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, चलिए अब जंतु ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एपिथीलियमी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एपिथीलियमी ऊतक और संयोजी ऊतक के ही बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथीलियमी ऊतक के बारे में। एपिथीलियमी ऊतक कोशिका की एकल परत से मिलकर बनता है। इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये सभी अंगों का आवरण करता है, जैसे कि त्वचा, मुंह का अस्तर आदि। गुर्दा नालिकाएं, रक्त वाहिकाएं का अस्तर इन्हीं ऊतक से मिलकर बनता है। दोस्तों, एपिथीलियमी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शल्की, दूसरा होता है घनाकार, तीसरा होता है स्तंभाकार और चौथा होता है स्तरित शल्की। सबसे पहले हम शल्की के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शल्की ऊतक नाक, मुंह, एल्वियोली जैसी गुहाओं का अस्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिकाओं, जीव और त्वचा का आवरण करते हैं। ये फर्श पर टाइल की तरह कोशिकाओं को अंत तक व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इनमें एक एक कोशिका टाइल की तरह जुड़ी हुई है, जिसे शल्की ऊतक कहते हैं। शल्की ऊतक की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारी त्वचा बनाती हैं और ये बहुत सारे लेयर्स इसलिए जुड़ती हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर की दूसरी लेयर बाकियों को नुकसान से बचा सके। दूसरा है घनाकार। इसकी कोशिका आकार में घनीभूत होती है। यह गुर्दे, थायराइड पुटिकाओं और ग्रंथियों में पाया जाता है। घनाकार यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह चित्र घनाकार को दर्शाता है। यह जर्मिनल एपिथीलियमी को भी बनाता है, जैसे कि वृषण और अंडाशय। तीसरा है स्तंभाकार। यह स्तंभ की तरह संरचना होती है। यह पेट की परत को बनाता है और छोटी आंत और बड़ी आंत को भी बनाता है। यह चित्र स्तंभाकार को दर्शाता है। यह एक धागे की तरह स्तंभाकार सतह पर मौजूद होते हैं, जो कि मदद करते हैं हमारे शरीर के लिए जरूरत चीजों को सोखने के लिए। चौथा है स्तर शल्की। यह परतों में व्यवस्थित स्तरित एपिथीलियमी से मिलकर बनता है। यह गर्भाशय और अन्न प्रणाली में भी पाया जाता है। यह चित्र स्तरित शल्की को दर्शाता है। जब शल्की ऊतक की बहुत सारी परतें आपस में उलझी हुई होती हैं, तो यह स्तरित शल्की कहलाती हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सी शल्की ऊतक की परतें आपस में उलझी हुई हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। कोशिकाएं व्यापक रूप में फैली होती हैं संयोजी ऊतक में। इनका कार्य विभिन्न अंगों को सहायता प्रदान करना होता है।
और जोड़ना भी होता है। संयोजी ऊतक के चार प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एरियोलर ऊतक, दूसरा होता है एडिपोस, तीसरा होता है कंकाल और चौथा होता है तरल पदार्थ। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एरियोलर के बारे में। ये अंगों के अंदर रिक्त स्थान को भरता है। ये त्वचा, मांसपेशियों, नसों, रक्त वाहिकाओं के आसपास अस्थित मज्जा में पाया जाता है। यह चित्र एरियोलर को दर्शाता है। दूसरा है एडिपोस। ये त्वचा के नीचे हृदय और मस्तिष्क के आसपास नेत्र गोलक के नीचे पाया जाता है। यह इंसुलेटर की तरह काम करता है और शरीर से गर्मी के नुकसान को रोकता है। जैसे सर्दियों में हमें कंबल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं जिन्हें गर्मी की जरूरत होती है। तो जो एडिपोस ऊतक है वह हमारे शरीर से गर्मी को जाने नहीं देता, मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह चित्र एडिपोस ऊतक को दर्शाता है। तीसरा है कंकाल। यह हड्डी, लिगामेंट, कंडरा, उपास्थि से बना होता है। हड्डी फ्रेम का कार्य करती है जो शरीर को समर्थन देते हैं। हड्डी हमारे शरीर के लिए एक ढांचा बनाती है। ये बिल्कुल भी लचीली नहीं होती, मतलब ये मुड़ नहीं सकती है। यह कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। यह बिल्कुल रेशेदार होता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। उपास्थि प्रोटीन और शंकरा से बनी होती है। ये नाक, कान, स्वर अंतर में मौजूद होती है। यह बहुत ही कम सख्त होती है दूसरी हड्डियों से। जैसे कि अगर आप अपने कान को थोड़ा सा मोड़ के देखें तो यह आसानी से मुड़ जाती है। चौथा है तरल पदार्थ। इन्हें रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। रक्त कई पदार्थों जैसे कि गैस, हार्मोन आदि के परिवहन में मदद करता है। रक्त में प्लाज्मा होता है जिनमें लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। लाल रक्त कोशिका लाल रंग की होती है जो कि हेमोग्लोबिन मतलब रक्त को बनाने के लिए मदद करती है। सफेद रक्त कोशिका सफेद रंग की होती है। यह हमारे शरीर को नुकसानदेह बीमारियों या जीवाणुओं से बचाती है। प्लेटलेट्स यह रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं भी लग जाए तो एकदम से वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है, तो यह काम प्लेटलेट्स द्वारा संपन्न होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जंतु ऊतक क्या है और हमने सीखा कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पेशी ऊतक क्या होते हैं और तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।